पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तवं भवानी सहितं नमामि। अरे माँ, ये सब मुंह फुलाए काय के लिए बैठे हैं? हाँ भगवान, माँ भी मुंह फुलाए बैठी है। अच्छी, अरे आज सबका मौन व्रत है क्या? मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। जो माँ की बात नहीं मानेगा उसे कोई भी बात नहीं करेगा। चुपे चुपे, माँ की बात कौन नहीं मानता? जो कह रहे हैं वो ही। माँ, ये दोनों बनकर क्या बकवास कर रहे हैं? क्या मैं तेरा कहना नहीं मानता? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। क्या 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 क्या? जो माँ कह रही है सच ही कह रही है। हाँ, सच कह रही है। अरे नारद मुनि के चेलो, माँ बेटे में झगड़ा करवा रहे हो? माँ, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं मानता? मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि मुझे बहू ला दे घर में। मानता है? बहू? माँ क्या, वो देखो ना, मुझे न देखना है न सुनना है। जब तक तू हाँ नहीं कहेगा हम में से कोई तुझसे नहीं बोलेगा। मेरी भी कट्टी। भैया कान खोल कर सुन लो, जब तक भाभी घर में नहीं आती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, क्या है, देखो भाई तुम लोग झगड़ा वगड़ा मत करो हमारे साथ। अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि देख जो बच्चों की राय वो हमारे राय। हाँ, चल इतना लंबा होके भैया के गोद में बैठता है। जल्दी दे।
लक्ष्मी बहन, कितने प्रेम से आपने अपने घर के माहौल को सजा रखा है। यहाँ की हंसी खुशी देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि आप शंकर की सौतेली माँ। कैसी बात करती हो शांता, मैं शंकर की माँ हूँ और माँ सिर्फ माँ होती है, वो न सगी होती है न सौतेली। सगी और सौतेली के घटिया भेदभाव से माँ बहुत ऊपर होती है। शंकर, बलवंत और बिरजू तीनों मेरे बेटे हैं और तीनों मेरे दिल के टुकड़े हैं। आज के बाद ऐसी बात जुबान पर कभी मत लाना। पार्वती, तुम जैसी पत्नी तो बड़ी तपस्या से मिलती है। आप ये क्या कह रहे हैं? शंकर को पाने के लिए हमेशा पार्वती ने ही तपस्या की है और इस बार भी ये पार्वती की तपस्या का ही फल है। चाहिए हाजी, शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है, कोई भगाकर थोड़ी लेकर आए हैं। आज शादी करके लाए हैं, अग्नि के चारों तरफ सात फेरे लगा कर लाए हैं। जी चाहता है कि तुम्हें अपने सीने में रख। कौन है? भैया मैं हूँ बिरजू। हम सो रहे हैं। क्या बात करते हैं भैया, इतनी भी जल्दी कोई सोता है? चलो दरवाजा खोलो। अरे कहाँ सुबह रहा? ओहो, ये उस दादी में मेरा भी बाप है। भैया दरवाजा खोलो। भैया भैया भाभी, आज तो मैं अपनी भाभी माँ के पास आऊंगा। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? आप अपनी माँ के पास हो, मैं अपनी भाभी माँ के पास रहूंगा। नहीं नहीं बिजू, तू ये नहीं कर सकता। तू अपनी भाभी माँ के पास क्या हो गया? नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। लगे हो? मैं कहाँ किधर आ रहा हूँ? माँ देखो भैया को क्या हुआ? चुप चुप बदमाश, माँ को क्यों याद कर रहा है? खाना का मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो जाओ सुने। आओ भाभी तुम मेरे साथ सो, मुझे बहुत नींद आ रही है। आओ भाभी तुम मेरे साथ सो, मुझे बहुत नींद आ रही है। चल अपने कमरे में चल, देखा नाटक कर रहा है, इतनी जल्दी सो गया, हट। बहू सारा सामान रख दिया है ना, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं माँ जी, आपने जो जो कहा था वो सब रख दिया। हाँ। अरे भाई ये सब कुछ क्या है, ये पोटली ये संदूक, कौन जा रहा है सफर पर? मैं जा रही हूँ बेटे, मैंने देवी माँ से मन्नत मांगी थी कि मेरे बेटे का घर बसा दे, घर बसते ही मैं तेरे दर्शन को आऊंगी। और माँ ने तेरी सुन ली और तू जा रही है, लेकिन मुझे तो किसी ने बताया नहीं। अरे तू क्यों मुंह लटका रहा है, दो दिन की तो बात है, परसों भगवान ने चाहा तो मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन मैं भी चलूंगा। अरे तेरा दिमाग ठिकाने है या नहीं, क्या बच्चों जैसी बातें करता है। कल बहू घर में आई है और आज तू माँ का आंचल थाम कर तीर्थ यात्रा पर चला, यहाँ बहू का कौन ख्याल करेगा? लेकिन माँ तू अकेले कैसे जाएगी? अरे बाबा मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, पूरी बस तो अपने कस्बे के लोगों से ही भरी हुई है। कुछ भी हो लेकिन माँ तू आपने कुछ नहीं, शुभकामनाएं आनाकानी नहीं करते। चल मुझे बस अड्डे पे छोड़ के आ। जीती रहो बहू, घर का ख्याल रखना है और अपना भी। चल चल चल, तो अपना ख्याल रखना माँ। हाँ बेटा हाँ, तू मेरी चिंता मत कर, ये सारे अपने गांव के ही तो लोग हैं मेरे साथ, तू बहू का ख्याल रखना। और हाँ वो शैतान बिरजू को देखना, वो कहीं बहू को तंग न करे। हाँ देखूंगा माँ, लेकिन तू वक्त पर खाना खा लेना। हा? हाँ बेटा हाँ खा लूंगी। हाँ शंकर भैया, हम है ना, हम इनका ख्याल रखेंगे। हाँ गिरधर के बापू, ये रास्ते भर मुझे दूध किसी बच्चे की तरह समझाता आया है, कल तक मैं इसे समझाती रही, आज ये मुझे समझाने लगा। चलो शंकर भैया उठो। हाय लगूंगा जी। चलो बेटा। पत्नी जी, कल रात को तो हमें अंगूठा दिखाया था, आज हम आपको दिन में सितारे दिखाएंगे। हाँ अरे कहाँ चले गए? सुनिए अरे अरे आप कहाँ के जाओगी? अरे रात भर तो हमने बात सुनवा दिया। अरे अरे सुन, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो। अरे तुमने हमें सुहाग रात नहीं मनाने दी, कम से कम सुहाग दिन तो मनाने दो। अरे कोई देख लेगा। अरे छोड़ो। कौन देख? अरे शंकर भैया, ओ शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, खबर है ये कि यात्रियों की बस खाई में गिर गई। क्या?
तुम सबको देखने के लिए ही मेरी सांस अटकी हुई थी। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। भगवान करे सदा आपका साया हमारे सर पर रहे। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटी, नहीं, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मुझे मेरा अंत दिखाई दे रहा है। नहीं माँ, ऐसा मत बोल। ये शंकर मर जाएगा तेरे बगैर, एक पल भी नहीं रह सकता। ऐसी अशुभ बात मत कर। नहीं नहीं बेटा शंकर, तू तो मेरा बहादुर बेटा है, बलवंत बिरजू मत। मैं नहीं रही तो क्या हुआ? तुम्हारे भैया भाभी है ना, उनका सदा कहना माना। मत रो माँ जी। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ। समय का उड़ता पंछी जिसको साथ उड़ा ले जाए, वो दुनिया से जाने वाला लौट के फिर ना आए रे भैया, लौट के फिर ना आए। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या है, समय के आगे हम तो क्या है, झुक जाए भगवान रे भैया। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। राम से बिछड़ी माँ कौसल्या, राम से बिछड़ी माँ कौसल्या, कृष्ण से देव की माता, कृष्ण से देव की माता। समय किसी से रिश्ता जोड़े, थोड़े किसी से नाता, थोड़े किसी से नाता। ये संजोग वियोग यहाँ है खेल समय का सारा, जीना पड़े हमें चाहे बिछड़े प्राणों से कोई प्यारा, प्राणों से कोई प्यारा। जो हर हाल में, जो हर हाल में हंसकर जी ले सुखी वो ही इंसान रे भैया। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान।
आज मेरा रिजल्ट आया है। भाभी तुम भी देखो, पूरे जिले में फर्स्ट आया हूँ। कहते थे कि हमारा नाम रोशन करेगा। हाँ भाई, खूब नाम पैदा करो और लॉर्ड गवर्नर बन जाओ। अरे आजकल लॉर्ड गवर्नर नहीं होते। नहीं होते, कलेक्टर तो होते हैं ना। हाँ, छुटका है ना। अरे कलेक्टर बनेगा, बहुत बड़ा कलेक्टर बनेगा, बड़ा बंगला होगा, बड़ी बड़ी गाड़ी होगी और हम दोनों राजा रानी बनकर घुमा करेंगे। बिरजू का भी आज नतीजा निकलने वाला है। वो तो निकलने वाला है, वो भी आता ही होगा खुशखबरी लेकर। हाँ खुशखबरी लेकर। उसका नतीजा तो निकल गया भाभी। फेल हो गया? फेल हो गया। फेल हो गया फिर से? ए सेठ की बच्ची, तूने मेरा शिकार क्यों ला दिया? मेरा नाम सेठ की बच्ची नहीं, माला है। अरे हाँ हाँ मालूम है, बढ़िया ही माला माल वाली। पहले ये बता, तूने मेरा शिकार क्यों ला दिया? अरे जाजा, बड़ा है शिकारी, बेजुबान परिंदों की जान लेता है और खुद को शिकारी समझता है। ला दे मुझे ये गुलेल। ए सीधा से गुलेल वापस कर। नहीं करती। नहीं करती? मैं कहता हूँ गुलेल वापस कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। तेरी तो बड़ी इतराती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने रानी बिटिया की बाह पकड़ी? मर सारे को मर। तेरी दूं? मेरा नाम बिजू है, पूरे गांव में मेरी गुलेल का निशाना मशहूर है। ऐसा निशाना मारूंगा आग फुट के कहां से निकलेगी। खेलने में देर हो गई, भैया आज भी मुझे डांटेंगे। मगर मुझे तेरे सिवाय किसी के साथ खेलना अच्छा ही नहीं लगता बिरजू। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है, मगर तुम्हारे बाप को हमारी दोस्ती कांटे की तरह चुभती है। तू उनकी फिकर मत कर, बस तू ये समझ ले कि माला तेरी दोस्त है ना। बग्गी क्यों रोक दी? बग्गी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अबे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस कुत्ते के पिल्ले को खींच कर बाहर निकालो। अच्छा पानी गरम मसाला। चल बे कुत्ते के पिल्ले। ये कर रहे हो, छोड़ दो इसे। पिताजी इन्हें कहिए ना, इसे चोट लग जाएगी। चुप, पिताजी की बच्ची। अरे तुझे कितनी बार कहा है कि इस बदमाश के साथ मत खेला कर? कहा तू और कहा ये? अरे तू सेठ बंसी लाल अग्रवाल की बिटिया है। बिटिया? और ये साला हराम खोर कबीदा भिखारी जलील। जलील? ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बग्गी में बैठने की? हाँ बैठने की। अबे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देखता है? आंखें नीचे कर, नीचे कर। कान खोल कर सुन ले, अगर फिर कभी मैंने तुझे अपनी बिटिया के साथ देख लिया ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। मास्टर जी कह रहे थे बलवंत का भविष्य बहुत उज्जवल है, उसकी पढ़ाई रोकनी नहीं चाहिए, उसके लिए उसे शहर भेजना चाहिए। लेकिन भेजे कैसे? उसमें तो बहुत रुपया लगेगा, हम गरीब आदमी तो मुश्किल से अपना पेट ही भर पाते हैं। हम अपना पेट काट कर बलवंत को पढ़ाएंगे, दो रोटी के जगह एक रोटी खाएंगे, मगर हम बलवंत को जरूर पढ़ाएंगे। अरे तुम एक रोटी की बात कर रही हो, बलवंत की पढ़ाई के लिए मैं जिंदगी भर भूखा रह सकता हूँ, पानी पी कर गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, हम गरीबों की रोटी की टुकड़ों की कीमत क्या है? अरे उस पैसे से कॉलेज की फीस तो छोड़ो, कॉलेज की किताबें भी नहीं खरीदी जा सकती। एक रास्ता है, क्यों ना हम हमारे कुछ खेत सेठ जी के पास गिरवी रखते। हमने कुछ गलत कहा? अरे मुझे ऐसे लगा जैसे तुमने मेरे दिल की बात सुन ली हो। मैं जाता हूँ सेठ जी के पास, रुपए लेकर आता हूँ, और देखो तुम बलवंत को शहर भेजने की तैयारी करो। एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और टर्म फीस, इन तीनों को मिलाकर 2000 रुपए दीजिए। मेरे जी पूरे 2000 हैं। आज तुझे जिंदगी में पहली बार अलग कर रहा हूँ। तू पैसे की चिंता मत करना, हाँ तू सिर्फ दिल लगाकर पढ़ाई करना, इस भाई का सपना पूरा करना, और तू बहुत बड़ा आदमी बनकर गांव में आना। हाँ ये समझ ले कि डिग्री तेरी है, इस डिग्री में जिंदगी मेरी है। कबड़ी 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 कबड़ी
हो तो हो जाए दुनिया।
मैं तुझे देखता हूँ। अरे पीछे नहीं सामने देख बेशरम। अरे बेशरम कहने से कोई बेशरम थोड़ी होता है चतुर्जी। अरे मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। अच्छा, अरे तो फिर कस्बे वाले कहेंगे कि स्टेट का दामाद बिना दांत वाला है। अबे उल्लू के पट्टे, अपनी औकात देख, ये मुंह और मसूर की दाल। मलाई के लड्डू को मसूर की दाल कहकर ऐसा मत कहो ससुर जी। चुप है साले। होने वाले दामाद को साला न कहो बापू। अरे कम वक्त मेरे घर में इसलिए पैदा हुई थी कि सबके सामने मेरी नाक कटवा दे। कहाँ कटी है नाक, पूरी की पूरी तो धरी हुई है मुंह पर। मैं चलता हूँ, कल मैं तुम्हारा भाई इंतजार करूंगा। अरे कहाँ मिली तो कह रहा है। वो जानती है, उसे मालूम है। चलता हूँ, कल वही मिलूंगा। हाँ, उसे पता है। अरे पता की बच्ची, चल तू घर चल। अब पानी नाक से ऊपर चढ़ गया है। मैं तुझे घर ले जाकर कैमरे में बंद करके अलीगढ़ का ताला लगा दूंगा। फिर देखता हूँ तू कैसे जाती है, और कल धनी साहब के बेटे से तेरी शादी पक्की करता हूँ मैं। मुझे भैया सादर प्रणाम। मुझे परीक्षा की फीस भरने के लिए 2000 रुपए की सख्त जरूरत है। समय पर रुपया ना मिला तो मैं परीक्षा में बैठ नहीं पाऊंगा। कृपया ये रुपए जल्दी भेजें। आपका भाई बलवंत। सभी ने रुपया देने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? ये लो, इसे बेचकर बलवंत को पैसे भेज दो। नहीं पार्वती, एक एक करके तुमने अपना हर जेवर बेच दिया है। ये तुम्हारा आखिरी जेवर है। मेरे जेवर तो आप हैं, ये हार नहीं। देखो, सोच विचार में देर मत करो। बलबन का ये आखिरी साल है। अगर वो इम्तिहान में ना बैठा तो हमारे इतनी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मेरा बलबन जब इम्तिहान में पास होकर बड़ा ऑफिसर बनेगा तब ना जाने ऐसे कितने जेवर मुझे बना कर देगा। तुम ना मत करो, तुम्हें मेरी कसम, इसे बेच दो। पार्वती, ना जाने पिछले जन्म में मैंने क्या पुण्य किया था कि इस जन्म में तुम मेरी पत्नी बनी। चाय पिएगा? नहीं। चाय पीने को मन कर रहा? अरे वही तो बोल रहा हूँ यार, खोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये दरवाजा खोल दिया ना और मालिक ने सुन लिया ना तो नौकरी से बाहर कर देगा। खोल रहा हूँ। साले क्या चकलसबाजी हो रही है, तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे? रामू काका भूख लगी है। भूख लगी है? अरे दो वक्त खाना नहीं मिला तो उतर गया ना प्यार व्यार का नशा। कल जल्दी से तैयार होकर नीचे आप, लड़के बड़े तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। जल्दी खाना लाओ। अरे मेरे मुंह क्या देखते हो, दरवाजा खोलो। जी मारी बिटिया अंदर नहीं है। अरे क्या बकवास करते हो सब लोग। रामू काका पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बिरजू कमाल करती हो माला, कितना इंतजार कराती हो। तुम इंतजार करवाने की बात कर रहे हो, अब तो रास्ता ही बंद होने जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है बिरजू कि मेरे बापू मेरी शादी दूसरी जगह पक्की करने जा रहे हैं। क्या? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कोई भी मुझे जुदा नहीं कर सकता। हाँ ऐसा होने जा रहा है बिरजू। मेरे बापू के पास पैसे है, ताकत है, वो मेरी शादी कर देंगे और फिर हम दोनों कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरी मानो, चलो चलो हम दोनों कहीं भाग चले। इस तरह भाग जाना बुजदली हो गई, और अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारे बापू और मेरे भैया भाभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाँ। हमें सबने से काम लेना होगा माला। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, मत मानो, लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर मेरे बापू ने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी ना, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ मैं जहर खा लूंगी। क्यों घबराती हो तुम माला? अरे इस जन्म में हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अरे किसकी हो जी? सुनो, हमारा बलवंत पास हो गया, पहले दर्जी में पास हो गया और वो घर आ रहा है। हाँ। सच? अरे बलवंत पास हो गया। अरे इस गवार का भाई पास हो गया, फर्स्ट क्लास।
अरे राम जी, अरे राम जी सुन रहे हो? अरे गंगुआ, अरे ओ गंगुआ इधर इधर सुन रहे हो? बलवंत पास हो गया, बस क्लास में पास हो गया। अरे बहुत बड़ा अफसर बनेगा, अरे दूर दूर तक नाम रोशन करेगा। अरे गवार की पत्नी, इधर 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 पास हो गया, बलवंत पास हो गया। अरे पास हो गया। अरे अरे चाचा खाओ ना। अरे खाओ तो सही, अरे तुम क्या मुंह देख रहे हो? अरे खाओ ना भाई। अरे बरसों के बाद खुशी ने शंकर के आंगन में कदम रखा है। अरे शंकर भैया, इस खुशी के मौके पर मैं अपनी बेटी का रिश्ता बलवंत के साथ तय करना चाहता हूँ। दहेज के अलावा 20,000 रुपए नकद भी दूंगा। बोलो क्षमा करना हरी भैया, ऐसी खुशी के मौके पर कितनी घटिया बात की है। अरे मैं अपने भाई का ब्याह करना चाहता हूँ, उसे बेचना नहीं चाहता। सुरेश भैया, हमें तो आपकी बिटिया पसंद है, पार्वती बड़े गुनगाती रहती है उसके। सच? हाँ बिल्कुल। अरे बरसों के बाद शनाई बजने वाली है इस घर में, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। बाबूजी, बाबूजी, चाचा जी आ गए। बलवंत आ गया। भैया भैया पाए ला। अरे पगले पगले, तेरी जगह मेरे पाँव में नहीं है, मेरे दिल में है यहाँ। अरे बलवंत कैसे है रे तू? आपकी मेहनत और लगन ने मेरे बलवन को सचमुच कितना बड़ा आदमी बना दिया। चाचा जी, ये टांगे में कौन है? भैया आप ये आप आप आपकी बहू बहू है। बहू? तुमने शादी कर ली और हमें बताया कि नहीं? दरअसल भैया क्या है कि वो अरे अरे क्या 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 बोल रहा है? क्या क्या हमारे अरमान थे, हम तो अभी अभी अंदर बोल रहे थे। बहू पहली बार घर आई है, उसका स्वागत तो करे। चुप हो जाइए। आओ बहू, आओ अंदर आओ, संभाल कर। अरे चलो अंदर चलो। चरण छो। अरे आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, तुम दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा सुखी रखे। चलो बहू, चल बलवंत, आ अंदर आ। सुरेश भैया, हमें तो आपकी बिटिया पसंद है, पार्वती बड़े गुनगाती रहती है उसके। सच? हाँ बिल्कुल। अरे बरसों के बाद शनाई बजने वाली है इस घर में, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अरे शहर से आया मेरा भाई, भाई को सलाम करो। साथ में लाया भाभी, भाभी को भी सलाम करो। भैया अरे भैया, एक मिनट भाभी, ये लीजिए। मैं दर्जू हूँ, इसका छोटा आपका देवर। अरे आप लोग तो आ गए, आपके साथ आपका वो ही हुई का है। बदमाश, 3 रोज पहले तो ब्याह हुआ है, इतनी जल्दी कहाँ से आएगा मुन्ना? अरे भाभी तुम ठहरी गाँव की, शहर में तो इम्तिहान बाद में देते हैं, नतीजा पहले निकलता है। क्यों भाई, आप भी ऊँट की तरह लंबा हो गया पर बात गधे की तरह करता है। अरे क्या मैं अपने भाभी के साथ इतना भी मजाक नहीं कर सकता? भाभी आपके साथ मैं मजाक कर सकता हूँ ना? हाँ कर सकता है, कर सकता ना भाभी? हाय 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 हाय, क्या मुस्कान है, इसी मुस्कान ने तो मेरे भोले भाले भाई का दिल लूट लिया। अरे बिरजू ये बात तो बता, तेरी पढ़ाई का क्या हाल है? भैया मालिक ने चाहा तो इस बार 8वीं तो पास कर ही लूंगा। क्या अभी तक 8वीं में ही पढ़ रहे हो? पिछले 4 साल से इसी क्लास में थे क्या? अरे भाई आप समझे नहीं, जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी इमारत कैसे खड़ी होगी? कैसे खड़ी होगी? सही बात है। हाँ मैं समझ गई, इसकी बातों में मत आओ, बहू को लेकर अंदर जाओ, थोड़ी देर आराम करो। चलो भैया 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 मुन्ना 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 मुन्ना, मेरा समय बर्बाद मत करो, कोई जगह खाली नहीं। तीनू सेक्रेटरी को बुलाओ। पूरे 3 महीने हो गए भाभी, और सैकड़ों जगह कोशिश करने के बाद एक ही जवाब मिलता है, नो वैकेंसी। तुम दिल छोटा मत करो, हम गरीबों का सहारा भगवान होता है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। आज के दौर में लगता है भगवान ने भी गरीबों से मुंह मोड़ लिया है, इस बेकार जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। आखिर कब तक आप लोगों पर बोझ बनता रहूंगा भाभी? कैसी बातें करता है, औलाद भी कभी माँ बाप पर बोझ होती है? तो फिर मैं क्या करूँ भाभी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, उम्मीद की कोई किरण ही नजर नहीं आती। लोग इस कुर्सी के लिए 50,000 रुपया देने के लिए तैयार है। तुम्हारे पास सख्ता ही क्या है मुझे देने के लिए, तेरा सब कुछ तो गिरवी है मेरे पास। मकान तो है मालिक, बाप दादा के जमाने का पुराना पक्का मकान है। क्या तुम अपने भाई की खुशी के लिए वो मकान गिरवी नहीं रख सकते? अब भैया
अपने भाइयों के लिए मकान तो क्या मैं अपने आप को भी गिरवी रख सकता हूँ। जी वो मकान गिरवी रख के बलवंत को नौकरी दे दीजिए। अरे मकान को मैं चाटूंगा क्या? नहीं मालिक, आप बलवंत को नौकरी दे ही दीजिए। नौकरी के बाद बलवंत और बिरजू दोनों आपके अधीन हो जाएंगे। बिरजू तो आपके सामने आंख नहीं उठा पाएगा। पैसा कमाने के बाद बलवंत आपके 50,000 रुपए वापस कर देगा ना? अरे नहीं नहीं नहीं, इतने दिन तक मेरे ब्याज का क्या होगा? अरे मैं असल तो छोड़ सकता हूँ लेकिन सूद नहीं। हाँ उसका भी हल है मालिक, आपके कोल्हू का बैल मर गया है। आप बाहर का तेल तो खाते नहीं। शंकर रोज 2 घंटे ब्याज के बदले कोल्हू चला दिया करे। मालिक मालिक मुझे मंजूर है। नमस्ते साहब। मेरी फाइल तैयार है? हाँ ये सर, ये आपकी फाइल रेडी है, ये देखिए। ओके ओके जी, थैंक यू। इतना मन लगा कर क्या पढ़ रही हो? भाभी 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 आंख बंद करो। आंख बंद करो। क्यों? भाभी आंख बंद करो, एक मिनट प्लीज। अच्छा ये क्या? तुम्हारे देवर की पहली तनख्वाह, पूरे 1200 रुपए। पार्वती ये क्या है भाई, तुम तो पूरा बाजारी खरीद लाई है? ये मेरे बलबंद के हैं। अब देखना आगे आगे मैं इस घर में क्या क्या लाती हूँ। अच्छा तुम तो साल में 2 फसलें पैदा करते हो, कभी दिखा ऐसा कमाल? कहाँ से दिखाएंगे कमाल भाई, तुमने तो हाकी कमाल कर दिया, हम तो ठहरे गरीब किसान। अच्छा ये बताओ कि बड़े बाबू की कमाई में हमारा भी हिस्सा है कि नहीं? हाँ हाँ है, पर इस महीने में हमने सब बच्चों के कपड़े खरीद लिए, तुम्हारा नंबर अगले महीने में लगेगा। अच्छा हाँ। तो एक काम करो ना, कुछ सिगरेट माचिस के लिए कुछ पैसे दे दो, 15 दिन से हम उधार पी रहे हैं। अच्छा अच्छा दे रहे भाई, ये लो ये बस बस। हाँ बस जाएगा, कुर्ते का क्या है कुर्ता फट जाएगा, कुर्ते का क्या है कुर्ता फट जाएगा, पैसे का क्या है पैसा फट जाएगा, हाँ हाँ फट जाएगा। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा घर परिवार, हो किस्मत वालों को मिलता है ऐसा घर पार्वती जैसी भाभी, पार्वती जैसी भाभी, प्यार ही प्यार है इनके मन में, ना छल कपट जरा भी, हो ना छल कपट जरा भी। हम क्यों मंदिर जाए, क्यों पूजा पाठ कराए, हम तो भैया भाभी के खून चढ़ाए, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता ऐसा प्यार।
प्यारी प्यार किए फुलवारी हो प्यार किए फुलवारी तुम्हारे लिए साड़ी और बलवंत के लिए कपड़े इन्हें लेती जाओ। ओहो, इतनी घटिया साड़ी और ये कपड़े, इससे अच्छे कपड़े तो मेरे घर के नौकर पहनते हैं। माँ, बापू ने 4 रुपए मांगे हैं, दर्जी को सिलाई के पैसे देने हैं। 4 रुपए? ठहर, मेरे पास तो 2 रुपए है, ये दे देना और बापू से कहना बाकी के 2 रुपए अगले महीने दे देंगे। अच्छा माँ। जी जी, मुझे 100 रुपया चाहिए। क्या खरीदोगी बताना जरूरी है? नहीं, मैंने तो यूं पूछ लिया, पर 4 रुपए खर्च हो गए, अगले महीने ले लेना। दूसरों की कमाई उड़ाने में कोई मोह माया थोड़ी लगती है। देखती हूँ अगले महीने से कैसे रंगेलिया मनाते हो। अरे डार्लिंग, यहाँ क्या कर रही हो, क्या देख रही हो? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों, क्या हुआ? एक बात बताओ। हाँ? तुम्हारी कमाई पर मेरा कोई हक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हक है, कमाई तो क्या, मेरी जिंदगी पर तुम्हारा पूरा हक है। तो फिर तुम्हारी भाभी ने मुझे 100 रुपए देने से इनकार क्यों कर दिया? क्या मैं तुम्हारी कमाई से 100 रुपए भी नहीं ले सकती? अरे क्यों नहीं ले सकती हो, लेकिन भाभी ने ऐसा किया क्यों? कल ही तो मैंने उसे 1200 रुपए दिए थे। उसी से तो अपने लिए जॉर्जेट की साड़ी खरीद कर लाई है, पति के लिए सिल्क की धोती और कुर्ता, और अपने बेटे के लिए इतनी कीमती कमीज और हाफ पैंट लाई है, और बेचारे बिरजू के लिए इतनी घटिया कमीज और पैंट लाई है कि कोई चपरासी भी नहीं पहनेगा। चलो ठीक है, उसके लिए कुछ तो ले आए, अगर हम दोनों के लिए रास्ते की मिट्टी तक नहीं लाई। लेकिन भैया, भैया ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहेंगे, वो तो चाबी का खिलौना है, बीवी चाबी घुमाती जाती है, वो नाचते जाते हैं। आखिर वो तुम दोनों भाइयों के लिए बोलेंगे भी क्यों, सौतेले हो ना। सौतेले? अरे तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा मन गंगा जल की तरह पवित्र है, तुम भैया को देवता समझते हो मगर वो तुम्हें सौतेला समझते हैं। प्लीज बिमला, ऐसी बातें मत करो। देखो अगर तुम उनकी ज्यादा तरफदारी करोगे तो मैं आज ही मैं की चली जाऊंगी। नहीं बिमला, अब मेरा मतलब इस घर में सभी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। खाक चाहते हैं, तुम्हें उस औरत की चालों का पता नहीं है। कभी दिमाग से सोचा है तुम्हारे सगे भाई की इस घर में क्या हालत है? उन दोनों मियां बीबी ने उसे कुत्ता बना रखा है, वो उनके फेंके हुए टुकड़ों को पालतू जानवर की तरह खाता रहता है। मगर कल की सोचो, कल को हमारी औलाद भी होगी, तुम कमा कमा कर उनकी झोलियां भरते रहोगे और तुम्हारा बच्चा भिखारियों की तरह हर चीज के लिए उनके आगे हाथ फैलाए खड़ा रहेगा।
तब पहनने को तन पर कपड़ा होगा, तब पेट भर रोटी मिलेगी और ना ही ढंग की तालीम हासिल कर सकेगा। अरे उन्होंने तुम्हें भी कौन सा अपनी दौलत और अपने पैसों से पढ़ाया है? बाप दादा की छोड़ी हुई एक एक चीज को गिरवी रख दिया, 10 तुम पर लगाए और 90 से अपना घर भर लिया। बात है जी, आजकल रोजाना देर से घर आने लगे हो। अरे मैं भी इंसान हूँ, खेत में काम करता हूँ, थक जाता हूँ, और अगर दो पल के लिए गांव के चौपाल पर बैठ भी जाता हूँ जी बहलाने के लिए, तो इसमें हर्जी क्या है? तुझे भूख लगती है तो खाकर सो जाकर, ना कर खा लिया करूंगा। जो काम अब तक नहीं किया अभी इस उम्र में वो काम करने के लिए कह रहे हो? मैं तुमसे पहले कभी खा सकती हूँ? अच्छा तुम पहले तो कभी चौपाल नहीं जाते थे? तुम्हारा इस तरह चौपाल जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कल से चौपाल मत जाया करो, मेरी कसम। मैं जाऊंगा, तुम कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? मेरा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मेरा दिल करेगा मैं चौपाल पर जाऊंगा, मेरा दिल करेगा मैं चौपाल पर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे टोका मत करो। हाँ अच्छा बाबा, गलती हो गई, आइंदा तुम्हें टोका नहीं करूंगी, माफ कर दो। नहीं पार्वती। अरे गुस्सा कर गई हाँ? अरे हमसे गलती हो गई, हमका माफ कर दो ना। ए मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो ना। तुम हाथ में धो लो, मैं खाना लगा। बलबंत नाश्ता कर ले आके। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है बगैर नाश्ता किए दफ्तर जाओगे? तबीयत ठीक नहीं है, खाना खाने को दिल नहीं करता। अरे सुनो तो, दवा खाना जाना, वहां से दवा लेकर फिर दफ्तर जाना। बिमला ये बलवंत को क्या हो गया? मुझे क्या मालूम। चाचा जी, चाचा जी कॉफी खरीदनी है, एक पैसा नहीं मेरे पास। ऐसा क्यों कहते हो चाचा जी, दो ना। चल हट, रुपया दो ना, रुपए का पेड़ पर लगते हैं, जब मांगे तोड़ कर दे दिए। बच्चे को थोड़ी तहजीब भी नहीं सिखाते, सारे रुपए तो तेरी माँ को दे दिए, चल जाकर माँ से मांग। जब बलवंत ने आज पहले ही खाना खा लिया क्या? बिरजू कह गया था कि आज वो देर से आएगा, और बिमला ने कहा बलवंत खाना नहीं खाएगा। क्यों, क्या हुआ उसे? मालूम नहीं, सुबह भी कुछ खाए बगैर ही दफ्तर चला गया था। अच्छा, बड़ी घामड़ औरत हो तुम। अरे सुबह बिना खाए पिए चला गया था तो हमें बताया क्यों नहीं? भगवान ना करे उसकी तबीयत खराब हो तो, तभी तो हम कहें मुंह लटकाए हमें बगैर मिले कैसे चला गया। हम थोड़े जज्बाती है ना, इसलिए घबरा गए थे। असल बात क्या अब पता चली,
अरे हम उसे खाना खिलाकर आते हैं, खाएगा नहीं तो कमजोर नहीं हो जाएगा, समझते ही नहीं ये लोग। अरे बलवान, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये रूखा सूखा कौन कब तक खाएगा, हाँ ना इसमें स्वाद है ना ताकत है। बहुत अच्छा कर रहे हो, रोज यही खाया करो, दिमाग का काम करते हो ना। मैं बाद में आता हूँ। रमला भैया, ये सब देखकर क्या सोच रहे होंगे? क्या हुआ? हमेशा रूखा सूखा खिलाती और पूछती हो क्या हुआ। अरे दफ्तर में जाता है, मेहनत करता है, दिमाग लगाता है, पैसे कमाता है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलानी चाहिए ना। जब देखो वही दाल, वही चटनी, वही प्याज। अरे इंसान कब तक खाता रहेगा, दिल नहीं उभाएगा उसका? हाँ बापू, बापू, अरे अभी जा। खुदा करे हसीनों के बाप मर जाए, यतीम होके वो हमारे हाथ लग जाए, रात तो रात दिन में भी दीवाली हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ डार्लिंग, आज मैंने अपने मन पसंद की शॉपिंग की है। अच्छा, अरे जाके बलवंत से पूछो, उसे तनख्वाह कब मिलने वाली, लोगों का हिसाब चुकाना है। इस तरह जाकर पूछना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? अरे बलवंत कोई गैस थोड़ी है, है? हाँ हाँ, पर अब भी बाहर से आया है, अपनी पत्नी के साथ है, ठीक नहीं लगता। अच्छा अगर तुम्हें एतराज हो रहा है तो मैं जाकर पूछा था। नहीं नहीं, छोटे के सामने आपका हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। नहीं चली जाती हूँ। क्यों जी, कैसी लग रही है साड़ी में? बिल्कुल चौधरी की चांद की तरह, बहुत खूबसूरत साड़ी है। जी हाँ, और महंगी भी, मुझे बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनने की आदत है। खैर किस लिए आई हैं आप, कुछ काम है मुझसे? हाँ, मैं बलवंत से इस महीने की तनख्वाह के बारे में पूछने आई थी। भाभी वो तो पहली को मिल गई थी। पहली को? हाँ, लेकिन मुझे तो किसी ने खर्चे के लिए कुछ दिया ही नहीं। हमने कुछ कपड़े खरीदने थे, कुछ घर का सामान खरीदना था, इसलिए सारे पैसे खर्च हो गए। सारे पैसे खर्च हो गए, फिर घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? हाँ? मतलब आप इनकी तनख्वाह के पैसे से घर चलाने का ख्याल दिल में लेकर बैठी है? इनकी तनख्वाह के पहले ये घर कैसे चलता था? हमने कुछ कपड़े खरीद लिए, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने जो सुख मुझे दिया है, शायद वो सुख आपके पति ने आपको नहीं दिया, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? जेठानी जी, अगर हमारा खाना इस घर में महंगा पड़ता है तो आज से एक काम कीजिए, आप जो दो वक्त हमें रूखी सूखी रोटियां डालती हैं, उसे बंद कर दीजिए, हम अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेंगे। विमला, क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब विमला, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। भाभी, 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 ये मेरे पास 50 रुपए हैं, आप चाहें तो इसे रख। पार्वती, मैंने तुम्हें उनके पास भेजकर तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान करवाया, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़ कर मुझे गुनहगार मत बनाइए। शंकर भैया, शंकर भैया। अरे अरे कन्हैया काका, ये क्या कर रहे हैं आप? आप बड़े होकर हमारे पांव को हाथ लगाकर क्यों पाप दे रहे हो हमें? हाँ, क्या बात है? शंकर भैया, मेरे परिवार की डूबती हुई कश्ती को तुम ही बचा सकते हो, मुझ गरीब की तुम ही सहायता कर सकते हो। अरे हम गरीब से जो होगा हम जरूर करेंगे भाई, आखिर बात क्या है? हाँ,
शंकर भैया, बलवंत के दफ्तर में चपरासी की एक जगह खाली थी। मैंने अपने बेटे को उस जगह नौकरी पर रखने के लिए बलवंत को 500 रुपए दिए थे। क्या? बलवंत ने रिश्वत ली? रिश्वत लेकर मेरे बेटे की नौकरी लगवा देते तो हम गरीब लोग उनके लिए दिल से दुआ करते, उनके लिए प्रार्थना करते। 500 लेने के बाद 500 और मांग रहे हैं। ले दे के घर वाली के कंगन बचे थे, उससे पैसे का बंदोबस्त कर दिया। अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा। नहीं नहीं भैया, ये आदमी झूठ बोल रहा है। बिरजू, और बात क्या है भैया, इसके सारे तोड़ने के वजन नकली है। ये देखिए, इसमें से लोहा निकालकर इसने मोम भर रखा है। 500 ग्राम सामान खरीदो तो 400 ग्राम मिलता है। ऐसे हरामजादे देशद्रोहियों को मार मार कर सीधा करना चाहिए भैया। ये सब क्या? अरे ये कमीना क्या बोलेगा भैया, आप हटिए तो सही। शंकर भैया बचा लो, शंकर भैया बचा लो। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। सारे पुराने वजन फेंककर नए वजन लेकर के आऊंगा। मुझे क्षमा कर दो, आज मुझे क्षमा कर दो। बिरजू, इसे माफ कर दे, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज तो तू भैया के कारण बच गया सेठ। और याद रखना, मुझे बेईमानों और रिश्वत खोरों से सख्त नफरत है। अगर आइंदा कभी ऐसी कोई 400 भी थी की ना तो ये हाँ, अब देखते क्या। चल भागे से, चल चल अंदर चल। अरे बहुत हो गया, दिन दहाड़े गरीबों का खून चूसता है या कमीना। ये बिरजू बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है। अगर उसे कहीं तुम्हारी रिश्वत का पता चल जाता तो ना जाने क्या तूफान खड़ा कर देता। मत पूछो विमला, घबराहट के मारे मेरे तो पसीने छूट गए। ये तो अच्छा हुआ कि भैया भाभी और कन्हैया चुप रहे, वरना बिरजू पता नहीं क्या कर देता। एक बात कहूँ, इससे पहले कि वो दोनों तुम्हारे खिलाफ बिरजू के कान भरे, तुम बिरजू को अपनी तरफ कर लो। बिरजू को अपनी तरफ? ना विमला, वो भैया और भाभी का हनुमान है। मैं सर पटक कर मर भी जाऊँ ना, फिर भी हमारी तरफ नहीं आएगा वो। अरे क्या बात करते हो, लोग प्यार से पत्थर को मोम बना लेते हैं, शेर को कुत्ता बनाकर सर्कस में काम कराते हैं, और तुम अपने सगे भाई को अपना नहीं बना सकते। देखो, हम बिरजू के दिमाग में ये बात डालकर कि तुम उसके सगे हो और वो सौतेले, अपनी तरफ मिला लेते हैं। वरना उन सत्यवादी हरिश्चंद्र के साथ अपना गुजारा नहीं, वो हमारे हर मामले में टांग अड़ाएंगे। हाँ, बिरजू को अपनी तरफ मिलाकर अलग हो जाएंगे तो बड़े सुखी रहेंगे, और तुम्हारी तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन लेकिन विमला, हम बिरजू को अपनी तरफ मिलाएंगे कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, आदमी को वश में करना मुझे अच्छी तरह आता है। भाभी माँ, ओ भाभी माँ। जी जी, मुन्ना और जेठ जी के साथ मंदिर गई हैं। मंदिर? लो, हम यहाँ पेट पूजा करने के लिए आए हैं और वो वहाँ भगवान की पूजा करने चले गई। जब तक वो आएंगे मैं तो भूख से मर जाऊंगा भाभी। क्यों, क्या जी जी ही तुम्हारी भाभी है? मैं नहीं। बलवंत भैया आपको शादी करके लाए थे, भगा कर तो नहीं लेके आए। मैं तुम्हें भगोड़ी नजर आती हूँ देवर जी। नहीं नहीं, आप तो मेरी प्यारी प्यारी भाभी है। सच? हाँ। आओ देवर जी, आज मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। आप? अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ, जाओ तुम खाना निकालो, हम हाथ मुंह धोकर आते हैं। कमाल है, सूरज आज पश्चिम दिशा से निकला है क्या, ये खाना खिलाएंगे। आज तुम्हारे लिए मैंने बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना पकाया है। अच्छा, लो देवर जी। क्या बात है भाभी, आज अपने देवर में बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार क्यों नहीं आएगा, आखिर तुम मेरे सगे देवर हो। यहाँ सौतेला कौन है? मुन्ना के पिताजी, और कौन? अच्छा अच्छा, तो सौतेले हैं। तुम्हें पता नहीं है देवर जी? नहीं तो? तुम और ये सगे भाई हो, और मुन्ना के पिताजी तो सौतेले हैं। तुम्हें तो खबर है नहीं, सारा दिन खेलकूद में लगा देते हो, और तुम्हारे भैया अपना खून पसीना बहाकर बड़ी ईमानदारी से कमाते हैं, और वो दोनों अपना घर बनने में लगे हुए हैं। अच्छा, किस कमरे में भर रखा है? खबर लगने देंगे किसी को, बड़े घाग है, जितने जमीन के ऊपर है उससे 3 गुना जमीन के नीचे है। तुम तो बड़े मासूम और सीधे हो, तुम क्या समझोगे उनको। तुम दोनों भाई सारी जिंदगी खून पसीना बहाते रहोगे और वो दोनों राज करेंगे। दोनों बड़े ही नीच और कमीने हैं। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? नीच और कमीने वो नहीं, नीच और कमीनी तू है। खबरदार, जो मेरे देवी देवता समान भाभी के भैया के खिलाफ जहर उगला तो जमीन बिगाड़ दूंगा तुझे। फिर जो अपनी भाभी पर हाथ उठाता है,
बदमाश। आंखें दिखाने से पहले इस नागिन से पूछो जो भाभी और भैया के खिलाफ नफरत का जहर उगल रही थी। आज तो मैंने सिर्फ हाथ उठाया, फिर कभी फल उठाएगी तो मैं इसका सर कुचल दूंगा। बिरजू, अपनी जुबान को लगाम दो। भूल गए स्कूल की मर्यादा को, भूल गए इस खानदान के संस्कार को, भूल गए कि छोटे बड़ों के सामने कैसे पेश हुआ करते हैं। माफी मांग। नहीं भैया, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिरजू, ये तेरी भाभी है और भाभी माँ के समान होती है, मैं कहता हूँ माफी मांग, चल। ये भाभी भी इसकी जेठानी है जो माँ समान है। पहले ये आप दोनों से माफी मांगे, फिर मैं इससे माफी मांगूंगा भैया। हाँ, हमने इसे माफ कर दिया भैया। आज तक आपने बिना मांगे सब कुछ दिया है, कम से कम माफी तो बिना मांगे मत दीजिए। बहस मत करो बिच्चू, ये तुम्हें माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, चलो माफी मांग लो। मैं इस नागिन से तब तक माफी नहीं मांगूंगा जब तक ये आप लोगों के पैरों में गिरकर अपना पश्चाताप न करे। ये औरत इस घर के लिए कलंक है। मारिए भैया, जी भर के मारिए, मेरी बोटी बोटी नोच डालिए, मगर मैं इसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। अरे इसने मेरे सामने मेरी माँ जैसी भाभी और बाप जैसे भैया का अपमान किया है, मैं इसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा भैया। नहीं बेटे, नहीं बेटे, देख जिद नहीं करते हैं, तू अपनी छोटी भाभी से माफी मांग। छोटे जब बड़ों से माफी मांगते हैं तो उनकी इज्जत घटती नहीं है, उनकी इज्जत बढ़ती है। बस भाई साहब, क्यों झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं आप दोनों ने तो पहले से इसके दिल में नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि दोनों सगे भाई कभी एक नहीं हो सकते। आखिर सौतेला होने का हक अदा कर दिया ना आपने। बलवंत, बलवंत, ये क्या है, बहुल्टी सीधी बकवास किया जा रही है, तुम खामोश खड़े हो। इससे कहो ना कि यहाँ पर कोई सौतेला नहीं है। कहने से क्या होगा भैया, बिमला को मना करने से सच्चाई झूठ में तो नहीं बदल सकती। आखिर हम सौतेले तो हैं ना। बलवंत, ये तू कह रहा है, मैंने तुझे कभी सौतेला समझा है? मैंने कभी तुम दोनों की तरह सौतेला बर्ताव किया है? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर मैंने तुझे अपनी औलाद से भरकर प्यार ना किया हो तो मुझे मौत आ जाए। मैं टंकी के रटे हुए डालो के जाल में मत फंसो जी, चलो यहाँ से। बहू, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो ये लो। मैं अपने बच्चे की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं इसके सर पर हाथ रखकर कहता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें कभी सौतेला समझा तो इसे मौत आ जाए, मैं बेहोलाद हो जाऊँ। इन झूठी कस्मों में एक बार फंस गए तो फिर कभी नहीं निकल पाओगे। इन मगरमच्छ के आंसू के मचाओ, चलो यहाँ से, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बलवंत, बहू, बलवंत और बिरजू मेरी आत्मा है, मैं इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, उनकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं माँ को क्या जवाब दूंगा, इस उजड़ते हुए घर परिवार को बचा लो विमला। चलो जी। बलवंत, बलवंत, मैं तेरे बिना टूट जाऊंगा रे, तू बोलता क्यों नहीं, तू खामोश क्यों है? अरे तेरी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। चलो ना विमला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ तुम्हारे, इस बसे बसे घर परिवार को मत उजाड़ो, तुम इस घर की मालकिन बन करो, जो जीने चाहे करो, बस बलवंत को हमसे जुदा मत करो, ये अपने भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जीती जी मर जाएंगी बिमला, मर जाए मेरी बला से, चलो ना बिमला। चक्कर से जीवन में कोई नहीं बच पाया, चांद और सूरज को भी ग्रस ले समय की काली छाया, समय ने मती मारी तो कह के इन्हें वो लगाई, जली अयोध्या राम से बिछड़ा भरत जैसा भाई, भरत जैसा भाई, समय की आंधी में उड़ जाए तिनके ऐसा इंसान रे भैया, समय बड़ा बलवान।
क्या सोच रहे हो? बिरजू दिखाई नहीं देता। अभी तो आपका आशीर्वाद लेकर कबड्डी खेलने शहर गया है वो। हाँ मैंने जीता अरे बाप रे क्या कर रहे हो? अपने जीतने की खुशी में मुझे आसमान में फेंक दोगे क्या? नीचे तो उतारो। ये ले रे उतर जा रे उतर जा। जीता मैंने। क्या बात है? इसे जीतने की खुशी में कल मुझे मेले घुमाने ले जाओगे? मेले? हाँ चल ठीक है। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। पहले मैं जीतने की खुशखबरी भैया भाभी को सुनाऊँ। मिलता हूँ कल। मैं तुम्हारा मेले में इंतजार करूंगी। हाँ भाभी माँ। भैया भाभी माँ। अरे भाभी माँ मेरी। अरे क्या हो गया भाभी माँ? अरे बोलो क्या हो गया? अरे अरे मैं पागल हो गया भाभी। मैंने सिटी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिटी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाय राम बहुत महंगा था। जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे मेरी प्यारी भोली भाभी माँ सिटी रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब मैंने इस बार मेरी टीम ने फिर जीत हासिल कर ली है। देख कब जीतिया मैंने। तू ऐसा बोलना। शाबाश भगवान तुझे कामयाबी दे। हाँ। और तू इस तरह क्या बोले रिकॉर्ड। हाँ, तो आइए आइए आपके शहर में पहली बार सांड और इंसान की लड़ाई। दो रुपए टिकट है भाइयों बहनों। दो रुपए टिकट है। बहन जी बोलिए दो रुपए टिकट है। सांड और इंसान की लड़ाई दो रुपए टिकट है। दो रुपए टिकट है। आइए आइए आपके शहर में पहली बार। आइए आइए जल्दी कीजिए। पहलवानों ये सांड की लड़ाई है। अबे ओ मोटे क्या लगा रखा है? तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? ए यू कैट लॉ। अरे तेरी की ये तो अंग्रेजी बोलत है। अरे अंग्रेजी माँ इस अखबार को क्या कहते हैं? रोमियो। अरे नहीं नहीं ये तो है रोड रोमियो। हाँ तो इनका दैयो अंग्रेजी माँ तो दै दे दै दे लो। समझे
सब कुछ करना पड़ता है बाबू, घर परिवार चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए मेरे पास यही एक उपाय है मालिक। लेकिन लोगों की जान से खेलकर? मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता बाबू, लोग खुशी खुशी से लड़ने आते हैं 10 रुपया लगाकर 500 रुपया कमाने के लिए। अरे क्या तू कह रहा है, जबरदस्ती कहाँ कर रहा है, लोगों को खुद ऐसे खतरनाक खेल से दूर रहना चाहिए। चलो, लानत है ऐसे लोगों पर जो पैसों के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। बहरे पे ने तो मुझे परेशान कर दिया। परशुराम आ गया, इधर है। लो पार्वती भाभी, तुमको परशुराम दिखाई दे रही है। आदमी है, आओ पार्वती भाभी, आओ आओ आओ। पार्वती भाभी तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है? रामू भैया, ये इसे गिरी रखकर कुछ रुपया दे दो, असल कती ब्याज के साथ लौटा दूंगी। मैं इस बर्तन के 100 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता, वो भी आपकी सूरत देख के। ठीक है, जो भी देना है दे दो, उस दिन तो कट जाएंगे। चौपाल है ये भगवान, तुम्हारी ये हालत देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये सब क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैं पार्वती, मैं मजबूर हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है? मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम जाओ। नहीं मुन्ना के बाबू, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें कोलू नहीं चलाने दूंगी, तुम घर चलो। नहीं पार्वती, तुम जाओ। अच्छा मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात है? देखो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी हर बात जानने का मुझे अधिकार है। अधिकार की बात ना करो पार्वती, ना करो। क्यों ना करूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे अधिकार है ये बात जानने का। तुम्हें तुम्हें मेरी कसम, बताओ। पार्वती फिर दीदी कसम? अच्छा कसम दिए तो सुनो, मैंने 50,000 रुपया लिया था बलवंत की पढ़ाई के लिए साहूकार से, ब्याज के बदले मुझे ये कोल्हू चलाना पड़ता है। लेकिन कुछ नहीं पार्वती, ये बोझ मुझे अकेले उठाना होगा। अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो मेरे भाइयों को चुकाना होगा, और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। पार्वती तुम घर जाओ, मैं आता हूँ, तुम घर जाओ।
शुक्रिया। बेचारा शंकर, क्या जमाना आ गया है। इसने बलवंत को पढ़ाने के लिए अपनी बीवी का एक एक जेवर तक भेज दिया। हाँ भाई, जब वो कमाने लगा तो बीवी का गुलाम बन गया और घर छोड़कर भी चला गया। एक शंकर है जो अपने घर की चौखट और मंदिर के द्वार से बाहर कदम नहीं रखता, और एक वो बलवंत है जो सयाद शेठ के साथ दिन रात चंपाबाई के कोठे पर पड़ा रहता है। अब उसको इस तबाही से कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल सच कहते हो भैया। ओए, तू कौन होता बंद करवाने वाला है? सेठ जी, मैं आपसे नहीं, मैं अपने नलायक भाई से कह रहा हूँ, जो अपने बाप दादाओं की इज्जत इस कोठे पर नीलाम कर रहा है। चल बलवंत घर चल। आप कौन होते मुझे यहाँ से ले जाने वाले? आपसे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। मैं कौन होता हूँ तुझे यहाँ से ले जाने वाला? हाँ, अरे घर से बाहर कदम क्या रखा कि रिश्ता भी भूल गया? अरे रिश्ते कोई मट्टी के खिलौने नहीं होते। जब जी में आए उन्हें तोड़ लो, जब जी में आए उन्हें जोड़ दो। होश में रहो शंकर, सुनो नहीं बलवंत ने तुम्हें क्या कहा है। अब बलवंत इस वक्त मेरा मेहमान है, अगर तूने बलवंत की और बेइज्जती की तो मैं तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा, समझे? अरे सेठ, ये तेरे बेटे के समान है, यहाँ पर लाते हुए तुझे शर्म ना आई? शर्म तो तुझे आनी चाहिए, जो रिश्तेदारी की आड़ में इसकी कमाई पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए है। देख, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, चल कर चल। मुझे नहीं जाना, आप जाइए। अरे चलना, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। अरे गिरबान को छोड़िए, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मेरा हाथ उठ जाएगा? हा? हा? ये ले, मुझे मार, मार मुझे, मुझे मार, मुझे मार, मुझे मुझे मार, लेकिन मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुझे अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। अरे बलवंत, सौतेला भाई और सांप दोनों बराबर होते हैं। है? जलता है, अरे तेरी खुशियों से जलता है ये, देखता क्या है, मार दे दो हाथ साले को। एट, तू गंदी नाली का गंदा कीड़ा है और इसे बर्बाद करने पर तुला हुआ, लेकिन मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। आइंदा तू इसे इधर लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू हुजूर, इसे साफ कर दूं? नहीं। इस थूक को उसी के आंसू और खून साफ करेंगे। अगर मैंने इसे दर दर की भीख न मंगवाई तो मेरा नाम भी सेठ बंसीलाल नहीं। हाँ बोल शंकर। तेरी देखिए तो सही, कैसे मोती की तरह चमक रहे हैं। अरे सर, सोच समझ कर भाव लगाइएगा, ऐसी किसी की फसल है गांव में? हाँ। तुम्हारे किस काम की शंकर भैया, ये तो कहीं और चला जाएगा। ए तू बीच में खड़ा रह के क्या कर रहा है? चल हट, खड़ा है बीच में बैल की तरह, उठा लो इसे, उठा लो। ये क्या कर रहे हो तुम? रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, ये सब सेठ कर रहा है। सेठ का कहना है कि खेत पर लिया हुआ कर्जा जब तक ब्याज के साथ चुका नहीं देते तब तक अनाज और खेत पे हमारा ही कब्जा रहेगा। उठा लो, उठा लो इसे, अरे देखते क्या हो, ये अपना ही तो है। रामू भैया, ये हमारी रोटी है, ये सब उठा ले जाओगे तब तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, हम तो हुक्म के पाबंद हैं, हम मजबूर हैं। पर ये तो जुल्म है ना रामू भैया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जरा हम पर दया करो। मैं तुम्हारी मत हाथ लगा इसके पांव को। छीने कुछ भी हाथ ना आए, रो रो के मर जाए, कोई समय तरस ना खाए, समय तरस ना खाए। छीन ले किसके दिल से कभी ये दीन धर्म ईमान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। रामू भैया, उन्हें मजदूरी मिलने में अभी 5 दिन बाकी है,
अगर तुम मजदूरी कैसी मजदूरी? जब से तुम्हारे सेठ ने हमारे खेत छीन लिए वो खादान में पत्थर तोड़ते हैं। भैया घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर 50 रुपये उधार दे देते तो उनके तनख्वाह मेरे पर वापस कर दूं। हाँ वो तो तुम लौटा दोगी ही, पर अगले महीने फिर इसी तरह हाथ फैला कर खड़ी हो जाओगी। शंकर भैया तो इस उम्र में पत्थर तोड़ तोड़ कर 4 आदमियों का बोझ तो नहीं उठा सकते। भाभी तुम खुद क्यों नहीं काम कर लेती? मेरा बाहर काम करना उन्हें पसंद नहीं। बाहर नहीं तो अपनों को यहाँ तो कर सकती हो। देखो तुम्हारे देवरानी के पैर भारी हैं, उन्हें एक नौकरानी की सख्त जरूरत है, और तुम्हें पैसों की। तुम उनके यहाँ क्यों नहीं काम कर लेती? तुम्हें भी 2 रुपया रोज मिल जाएंगे और साथ में 4 रोटियां भी मिल जाएंगी। क्या सोच रही हो? देखो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। शंकर के जाते ही तुम काम पे पहुंच जाना और उसके लौटने से पहले तुम वापस आ जाना, शंकर को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा हुआ तुमने रामू भैया की बात मान ली। मुट्ठी लाकी खुल गई तो खाकी। भला मैं किसी को कहा कहने वाली हूँ कि मेरी जेठानी जी मेरी नौकरानी है। अच्छा जी जी, पहले तुम झाड़ू मार कर पोछा कर लो, फिर चौका बर्तन करके कपड़े धो लेना, उसके बाद खाना पका लेना। अरे वो क्या देख रही हो, जाओ काम करो। जी सुनो जी जी, इसे साथ मत लाया करो, पाठशाला में छुट्टी है, इसे घर में अकेले कैसे रखती। अच्छा अच्छा, इसे रसोई घर में ही बिठा कर रखना, कहीं कोई चीज ना तोड़ दे, तुम्हारे देवर की बड़ी मेहनत की कमाई है। अरे तुम क्या देख रहे हो, इनकी यहाँ तंगी चल रही है, हमें भी एक नौकरानी की जरूरत थी सो मैंने इन्हें रख लिया, आखिर वक्त पर तो अपने ही काम आएंगे ना। बहू मैं चलू, काम अभी खत्म हुआ नहीं कि सर पर आकर खड़ी होगी। शुक्र करो हमने तुम्हें नौकरी दे दी, वरना घर घर जाकर भीख मांगती फिरती। ये लो, जिस तरह रुपए मांगने की जल्दी होती है उसी तरह सवेरे काम पर भी जल्दी आ जा करो। जी अच्छा सुनो, पल्लू में मांगकर क्या ले जा रही हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि कोई चीज दिखाई बिना मत ले जाया करो। रोटियां घर भर के लिए ले जा रही हो क्या? जरा देखो तो। ये 4 रोटी है। 4 क्यों? 4 रोटी देने की बात तो तुमने की थी, मुझे याद है, लेकिन 1 रोटी तो तुम्हारा बेटा पहले ही खा चुका है, वो क्या हराम की थी? वो तो बासी थी, तो मैं बासी हो या सड़ी, तुम्हें क्या अंदर किसी चीज को बिना पूछे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? बेईमानी से मुझे सख्त नफरत है। भूल हो गई, माफ कर देना। जेठानी जी आगे देखती जाओ मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। जल्दी करो भी जल्दी। अरे ब्रजू जल्दी करो जल्दी। मिस्टर बलवंत बधाई हो, बेटा हुआ है। मुबारक हो बलवंत भैया। भगवान
डॉक्टर साहब, भैया भगवान का शुक्र है उनकी जान बच गई, मगर उनका दायां पैर बेकार हो गया है। बधाई हो बिरजू भैया, खुशियां मनाओ, लो मूवी सा करो, तुम्हारे भतीजा हुआ है। हाय हाय
खूबसूरत तोहफा लाई है हमारे पूजे जेठानी जी, जैसे किसी गरीब का बच्चा हो। विमला, क्यों अपनी खुशियों का मजा किरकिरा कर रही हो? तोहफे से तो इंसान के दिल और उसकी औकात का पता चलता है। ये रख लो। हाँ, रख लो बेटी, रख लो। भाई, मेरे किस काम का? ओहो, काम में आएगा बेटी। छोटे बच्चों का अक्सर हाजमा खराब हो जाता है, उन्हें छी हो जाती है, इससे छी को पूछ कर छी करके फेंक देना। ओए माँ, क्या हुआ? अरे बच्चे ने छी कर दी। आपने ठीक ही कहा था, आखिर जेठानी जी का तोहफा काम आ ही गया। दिल्ली से आया हुआ ये लेटर कोई मामूली लेटर नहीं है, तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निकलता हुआ सूरज है। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स ने तुम्हें सिलेक्ट किया है और परसों ही तुम्हें दिल्ली जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे सूबे का नाम तुम सारी दुनिया में रोशन करोगे। थैंक यू सर। सर बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सर ये खुशखबरी मैं भैया भाभी को सुनाता हूँ। भाई तुम आ गई इतनी जल्दी? कहाँ जल्दी? अरे हमको भी बताओ कि वहाँ क्या क्या हुआ। वही हुआ जो होना चाहिए था। दोनों मुझे देखकर बहुत खुश हुए, दौड़ कर आकर मेरे पैर छुए, बहुत आदर किया उन लोगों ने मेरा। भगवान उन दोनों को सुखी रखे। अरे हमारी नजरों से दूर हो गया तो क्या हो गया, लेकिन हमारे दिल के तो बहुत नजदीक है ना। अच्छा ये तो बताओ और क्या क्या हुआ? और क्या, उन लोगों ने मुन्ना को मेरी गोदी में दे दिया। कैसा हमारा मुन्ना? बहुत सुंदर। अरे भगवान उसे लंबी उम्र दे। अरे हम ना कहते थे कि बलवंत तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा, तुम्हारे पांव को हाथ लगाएगा, तुम्हारी इज्जत करेगा। आखिर हमारा छोटा भाई है ना, भगवान उसे हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। ये क्या बेटी, मैं तो तुझे खाना खिला कर गई थी। ये तो चाचा का खाना है बेटी, अगर तू चाचा का खाना खा लेगा तो तेरा चाचा क्या खाएगा? तो तुम वो रोटियां खाते हैं जो तुम बलवंत चाचा के यहाँ से काम करके लाती हो। बेटा अब वो काम नहीं रहा, ना तो वहाँ से रुपये मिलेंगे और ना ही रोटियां। ठीक है माँ, इसे चाचा खा लेंगे, मैं सिर्फ पानी से पेट भर लेता हूँ। तो वो रोटियां खाते हैं जो तुम बलवंत चाचा के यहाँ से काम करके लाती हो। बेटा अब वो काम नहीं रहा, ना तो वहाँ से रुपये मिलेंगे और ना ही रोटियां। ठीक है माँ, इसे चाचा खा लेंगे, मैं सिर्फ पानी से पेट भर लेता हूँ। आज तक भाई और भाभी का पेट काट कर खाता रहा, बस मुन्ने का निवाला छीनता रहा। नहीं, नहीं आज के बाद ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा ऐसा। टैक्स लगाइए, 500 कमाइए। अपाहिज हो गया इसलिए तो अपनी मनमानी करता रहता।
हम लोग मर गए थे कि हमारी लाश पर कफन नहीं था कि अंतिम क्रियाकर्म के लिए पैसे इकट्ठे करने निकला था। हिम्मत और मेहनत करने की शक्ति अभी शंकर में है, मैं कोई बेकार भिखारी नहीं हूं। अब चुप भी हो जाइए ना। तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो? इसे डांटने के बजाय तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो? अरे ये मेरा छोटा भाई नहीं है, मेरी माँ की अमानत है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता? जिस दिन मेरे पैर पर वो पत्थर पड़ा था, मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द आज हो रहा है इसका ये जख्म देखकर। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं चीता जी मर गया हूँ। अब शांत हो जाइए, आइंदा ये ऐसी गलती नहीं करेगा। चल बिरजू, अरे चल ना। शर्मानी चाहिए तुम दोनों को। अभी तक वो कमबख्त शंकर आराम की नींद सो रहा है और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे खड़े हो। कमबख्त कहीं के, जब तक वो कमीना दर दर का भिखारी नहीं बन जाएगा मुझे चाय नहीं मिलेगा। वकील जी, आज ही नोटिस भेजो, 7 दिन के अंदर अंदर अगर उसने रकम महसूद के रुपए वापस नहीं किए तो वो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरी जूती से घर रहे या जाए, मेरे घर में नोटों का पेड़ नहीं लगा है जो तोड़कर तुम्हारी झोली में डाल दूं। आ जाती है मुंह उठाकर भीख मांगने। बिमला, खानदानी मकान पर अगर सेठ ने कब्जा कर लिया तो हम सबकी और खानदान की इज्जत कहाँ रह जाएगी? और फिर बलवंत उस खानदान से अलग नहीं है ना, वो तो उसी दिन अलग हो गए थे जिस दिन घर से बाहर निकले थे। कर्ज जिसने लिया है वही अदा करे, तुम्हारी करनी की सजा हम क्यों भुगते? कर्ज उन्होंने अपने लिए नहीं लिया था, बलवंत की नौकरी के लिए 50,000 रुपये मांगे थे, उसी के लिए मकान को दिल्ली रखना पड़ा था। झूठ क्यों बोलती हो? क्या ये कहते हुए शर्म आती है कि तुम लोगों ने अपनी मौज मस्ती के लिए वो घर गिरवी रख दिया? अपना घर लुटा कर अब मेरे घर पर नजर लगाने आई है? क्या बकरी है बुल्ला? बकती मैं नहीं, बकती तू है। चलो यहाँ से। तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी देवी जैसी भाभी के साथ बदतमीजी की, धक्का दिया। ए घुटा ले तू, क्या कर रहा है तू? रो मुझे भाभी, अरे मैं इस नागिन का सर कुचल के रख दूंगा। अरे जो जलील कमीने, अपनी भाभी पर हाथ उठा। मैं जलील हूँ, कमीना हूँ, और ये शरीफ है जिसने हमारी देवी जैसी भाभी पर हाथ उठाया। अरे उस भाभी पर जिसने अपना सब कुछ बेचकर तुझे पढ़ा लिखा पाल पोस कर बड़ा किया। अरे तो कौन सा एहसान किया मुझ पर? उस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। तू हिस्से की बात करता है? हाँ, हिस्से की बात करता हूँ। बलवन रास्ता भटक गया है, यहाँ से चल, तुझे मेरी कसम, चल। सुनो, लगता है इसके सर पर खून सवार है, मुझे तो इससे डर लगने लगा है, कहीं किसी दिन कुछ करना बैठे। अरे कुछ करने से पहले मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। अच्छा, ये तेरा खिलौना है? अबे हट। मामा, इन्हें कहो ना मेरा खिलौना दे दे। खबरदार, पड़ार
रुस्तम बनता था ससुरा। हाँ, जेल में चक्की पीसेगा तो नानी याद आ जाएगी। हाँ, अरे मुंह क्या देखा, चलो निकलो यहाँ से। चलो मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना को बहुत बुखार है, इसे किसी डॉक्टर या बेड को दिखाइए ना। पार्वती, दो दिन से इसके पेट में अनाज का एक दाना नहीं गया। इसे दवा की नहीं, इसे तो रोटी की जरूरत है। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। जा रही माला? अपने बिरजू के पास। ठंडा पानी गर्म मसाला, पागल हुई क्या? उस बदमाश मुजरिम के पास जा रही हो जो पुलिस की राइफल लेकर फरार है? उसे इस हालत में पहुंचाने वाले आप हैं। उसे मुजरिम और फरार बनाने वाले आप हैं। शंकर भैया के घर को तहस नहस करने वाले भी आप हैं। आप बकवास बंद कर और चल। नहीं बापू, चल मुझे। अरे चल, जाने दीजिए बापू, मुझे बिरजू के पास जाने दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती बापू। तुझे भेजता हूँ। चल बापू, 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 नहीं। कुछ भी नहीं मिला। ये भगवान, तू ये कौन सी जुर्म की सजा दे रहा है? मेरा बेटा भूखा मर। मैं भी कैसा बदनसीब हूं, बच्चे को दो वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। ये सब होने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आती? Oh,
मुंह मीठा करो। सेठ जी, एक और भी मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, ये लो। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। तू चला जा यहाँ से। तिजोरी खोल सेठ। क्यों खोलूं? तेरे बाप का माल भरा क्या? अरे बेटा, बंदूक मजाक का खेल नहीं होता बेटा। अरे बेटा, भगवान ने तुझे मुंह दिया है, जो जो कुछ भी बोलना मुंह से बोल। अरे तू पढ़ा लिखा है बेटा, समझदार है, अच्छा बच्चा है। मुझ बुट। मर गया। बच गया। देख बेटा बिरजू, इसे मत चला, इसकी आवाज बड़ी भयानक है बेटे। मेरा दिल बहुत कमजोर है। तिजोरी खोल सेठ। तिजोरी? क्यों? तिजोरी खोल, नहीं तो तेरा सीना खोल दूंगा। नहीं, खोल। देता हूँ बेटा, देता हूँ। पहले तो अपनी उंगली बंदूक के घोड़े से हटा ले बेटा। अगर ये चल गई तो तेरा ससुर मर जाएगा। अगर मैं मर गया तो तुझे जवानी में फांसी हो जाएगी बेटा। मेरे कागजात अभी देता हूँ बेटे। अरे तू तो बचपन से ही बड़ा जिद्दी है। ये मेरे कागजात, तेरे भाई के घर के कागजात, ये सब तेरे। ये क्या कर रहे हो बेटा? इसमें तो लक्ष्मी राजमान है। आग लगा दो इन झूठे भेगातों को। खोदा जो आग लगाई तो लगा दे। अरे कमबख्तो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लगा दो। ये सब बेबस गरीबों के खून से लिखे जाली भय खाते हैं। अरे चला लो मैंने। ये तो लग गई। चलो खाने चलो बेटा। अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं टूट गया। अभी आगे फाड़ के मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ पुलिस को बुलाओ। एक भाई रिश्वतखोर हो गया और दूसरा डाकू लूटे। क्या खोट थी मेरी परवरिश में? क्या इस दिन के लिए तुम दोनों भाइयों को पाला था मैंने? दूर हो जा मेरी नजरों से, आज से मर चुका हूं मैं तेरे लिए। नहीं भैया, भैया ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे भगवान समान हो। अरे भगवान के चरणों में भी कोई चोरी का प्रसाद चढ़ाता है? मैं सेठ का कर्जदार हूं, जब तक उसका कर्जा नहीं चुकाऊंगा उस घर में पांव नहीं रखूंगा। तू इसे उठा के रुपया और कागज लौटा। मैं भूखा मरना पसंद करूंगा, जमीन पर सोना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपना ईमान, अपना जमीन नहीं बेचूंगा। उठा दे, इसी वक्त जाके लौटा दे। नहीं भैया, इस जमाने में इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता भैया। चाचा जी, पुलिस आ रही है। बिरजू, मुझे यहाँ से भाग जा, तुम लोग तुझे बहुत मारेंगे। बिरजू, तुझे मेरी कसम, तुम भाग जा बिरजू, जा ना। क्या बात है, क्यों हंसी के फौरे छूट रहे हैं? मेरे दुश्मनों का सर्वनाश हो गया है, इसलिए अब जाकर मेरे दिल को ठंडक पहुंची है। वो दोनों नाग नागिन सपोले को लिए दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, तड़प तड़प कर भूखे मर जाएंगे। और वो बेचारा बिरजू चूहे की तरह भाग गया पुलिस के डर से, अब कभी नहीं आएगा इस गांव में। तुम ठीक कह रही हो मछली भाभी, शायद मैं कभी नहीं आता, पर आज बड़े भाई और भाभी माँ की दशा देखकर
मुझे तुम्हारे दर पे झोली फैलाने आना ही पड़ा। बलवंत भैया, बलवंत भैया, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, उन्हें उनका अपना घर वापस दिला दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करते रहूंगा, लेकिन बड़े भैया और भाभी माँ को घर वापस दिला दो। यहाँ कोई कुबेर का खजाना नहीं पड़ा है, दफा हो जाओ यहाँ से। इतने कठोर मत बनो भाभी, इस मुसीबत से भैया और भाभी को बचा लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बलवंत भैया। विमला ठीक कहती है, हमारे पास पैसे वैसे नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। क्या तुम्हारा दिल भी पत्थर हो गया बलवंत भैया? क्या तुम्हें भैया और भाभी माँ का प्यार, उनका त्याग, उनकी कुर्बानी कुछ भी याद नहीं रहा? हाँ हाँ, कुछ भी याद नहीं रहा। उस दिन हम लोगों पर हाथ उठा रहा था, आज हाथ जोड़ रहा है। नहीं भाभी भैया। अरे काहे का भैया, ना तू मेरा कोई है ना वो दोनों। चलो निकलो यहाँ से भैया। आप भी चलो ना, क्यों दिमाग खराब है? चलो ना, मैंने कहा ना तुम मेरा कोई नहीं। चलो भैया निकलो। तुम्हारी नौकरी के लिए ही भैया ने 50,000 में मकान सेठ के पास गिरवी रखा था, कोई अपने लिए नहीं। कल दिन डूबने से पहले वो रुपया अदा करके मकान भैया के हवाले कर दो, और अगर तुमने नहीं किया ऐसा तो दिन डूबने के बाद राम टेकरी पे आकर अपने बच्चे की लाश ले जाना। खबरदार! अरे मेरे बच्चे को लेकर जा रहे हैं, कुछ करो। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, फिर जो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे होते बलवंत के बेटे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मकान के कागजात लाने के बजाय पुलिस लेकर आया है? अरे पुलिस तो क्या, तू सारी फौज लेकर आ, लेकिन अब तू अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। बिरजू, कानून को अपने हाथ में मत लो, उस बच्चे को खुद को हमारे हवाले कर दो। जब तक मेरे भाई को उनका मकान वापस नहीं मिलता, ना मैं अपने आप को कानून के हवाले करूंगा और ना ही उस बच्चे को छोड़ूंगा। तुम अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं पुलिस को आगे बढ़ने का हुक्म देता हूं। पुलिस ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं खास में आग लगाकर बच्चे को खत्म कर दूंगा। बिरजू, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, 3 गिनने तक तुमने खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो मैं गोली चलाने का हुक्म दे दूंगा। 1, 2। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, गोली चलाने का हुक्म मत दीजिए। बिरजू और मुन्ना को मैं नीचे लेकर आता हूँ। बिरजू, मुन्ना को लेकर नीचे आ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं भैया, जब तक ये नमक हराम मकान वापस नहीं करता, मैं इसका बच्चा नहीं दूंगा। बिरजू ऐसा मत कर। रुक जा भाभी माँ, नहीं तो मैं आग लगा दूंगा। नहीं बिरजू, ऐसा अनर्थ मत कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बलवंत की बेइंसाफी और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप कर सकते होंगे, मैं इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। भगवान के लिए ऐसा मत कर बिरजू। रुक जा भाभी माँ, बिरजू मान जा। नहीं भैया। ये लो बंदूक, मुँह क्या देख रहे हो, जाकर उस चल्लाद को मार डालो, वरना हमें अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। बिरजू, बिरजू तुझे मेरी कसम, मान जा बिरजू। नहीं भाभी, भाभी तू आगे बढ़ी तो तुम्हें आग लगा दूंगा। मुन्ना, तुझे कुछ हो जाता तो मैं भैया और भाभी माँ को क्या मुंह दिखाता। अरे बीजी, तूने क्या कर दिया? शुक्र है भगवान का, मेरा बीजी ऐसा कभी नहीं करेगा। बलवंत, नहीं! मैं नहीं रही तो क्या हुआ? तुम्हारे भैया भाभी है ना, उनका सदा कहना माना।
पार्वती, ये सब क्या हो गया रे? अब मेरी फिक्र छोड़िए, बिरजू और बलवंत को बचा लीजिए, वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। बलवंत रुक जाओ, बलवंत, बिरजू, बलवंत, बिरजू रुक जाओ, हाँ बोले, बलवंत रुक जाओ, बिरजू, बिरजू भैया, भैया, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बार, सिर्फ एक बार अपने भैया और भाभी से मिलने नहीं दीजिए, उसके बाद आप मुझे फांसी पर लटका देंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बात माननी चाहिए। मैं मजबूर हूँ, सॉरी। डॉक्टर, एनेस्थीसिया प्लीज। थेरी, थेरी डॉक्टर साहब, मैं ऑपरेशन से पहले इंस्पेक्टर साहब को बयान देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मुन्ना के बापू कैसे हैं? इंस्पेक्टर साहब, पार्वती मेरी गोली से घायल हुई है, मैं बिरजू पर गोली चला रहा था, पार्वती बीच में आ गई। बलवंत निर्दोष है। पर बलवंत ने तो पहले ही अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। झूठ बोलता है वो, मुझे बचाने के लिए झूठ बोलता है वो। बड़ा भाई हूं ना, इसलिए बलवंत निर्दोष है। मैं यही कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, मेरे साइन साइन। हाँ, तू औरत नहीं डायन है, हमारी खुशियों में तूने आग लगाई है, हमारे हंसते खेलते घर परिवार को तूने उजाड़ा है। मुझे बहकाकर अपने भाइयों से और भाभी माँ से तूने अलग कर दिया। माला, जा बेटी, जा, चली जा अपने बिरजू के पास। हाँ बेटी, हाँ, बिरजू से अच्छा और कोई लड़का नहीं है, उस घर से अच्छा और कोई घर परिवार भी नहीं बेटी। हाँ बेटी, हाँ हाँ बेटी। बापू, मुन्ना, हम तो बिल्कुल बेसहारा हो गए रे। ऐसा मत कहिए भाभी माँ, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अरे जिसके एक नहीं दो दो बेटे हो वो बेसहारा कैसे हो सकती है? आपके आशीर्वाद से अदालत ने मुझे बरी भी कर दिया है। हाँ? अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ रहा भी कौन, ना भैया रहे, ना जमीन, ना मकान। तू ठीक कहता है। नहीं पार्वती बहन, नहीं, तुम लोग ये गांव छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, ये रही तुम्हारे घर की चाबियां और ये रहे तुम्हारे खेत के सारे कागजात। हाँ, बस पार्वती बहन, इस पापी की सिर्फ एक ही विनती है, हो सके तो मेरी गलतियों को माफ कर देना और मेरी बेटी माला को अपनी बहू अपना लो। हाँ,
जीजी, जीजी मेरी जान बचा लीजिए। आज तू बच नहीं सकती कमीनी। उठ। तेरी वजह से मेरी भाभी माँ का यह हाल हुआ है। ये क्या कर रहा है बलवन? क्या तू अपने बड़े भाई को सड़क में भी शांति से नहीं रहने देगा? अगर उनके लिए तेरे दिल में जरा सा भी प्यार है तो क्षमा कर दे इसे, माफ कर दे बलवन, माफ कर दे इसे। प्यारे प्यारे देवर।